खबर मिल रही है कि झारखंड के बॉर्डर इलाकों में बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है और ये इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है कि इन सभी जिलों में जनसंख्या पर असर पड़ने लगा है। और तो और अब यहाँ बड़ी संख्या में मदरसे बनाए जाने लगे हैं। हालात तो ऐसे हो गए कि स्थानीय ट्राइबल को गुमराह कर उनसे शादी भी की जा रही है। दरअसल NRC लागू करवाने के लिए लगभग 5 साल पहले झारखंड सरकार ने एक रिपोर्ट बनवाई थी जिसके मुताबिक पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी तेजी से बढ़ रही थी और अब झारखंड हाईकोर्ट ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में कैसे घुस रहे हैं, सरकार को इसकी जानकारी है भी या नहीं, और अगर जानकारी है तो उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। आज हम इन्हीं सवालों के साथ आपके सामने आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि झारखंड से बांग्लादेश का बॉर्डर महज 40 किलोमीटर दूर है, जहां झारखंड में फरक्का, उढ़ावा, पियारपुर, बेगमगंज, फुकद्दीपुर, दियारा, चांद शहर और प्राणपुर जैसे इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की आवाजाही हो रही है। और ये घुसपैठ सिर्फ साहेबगंज तक सीमित नहीं है, इसमें जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा के साथ साथ झारखंड के और भी कई बॉर्डर इलाके शामिल है। अब जरा इन तस्वीरों को इन जिलों की आबादी के नजरिए से देखते हैं, जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिन इलाकों की, जिन जिलों की मैं बात करने वाली हूँ, वहाँ एक तिहाई से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। पहले पाकुड़ की बात करते हैं, तो यहाँ साल 2001 में कुल आबादी 7,01,664 थी, जिसमें मुस्लिमों की आबादी 2,32,373 थी, यानी कुल आबादी का 33%। वहीं 2011 में पाकुड़ की आबादी 9,422 हुई, जिसमें मुस्लिम आबादी 3,22,963 हो गई, यानी कुल आबादी का 33.87%। साहिबगंज की बात करें तो 2001 में साहिबगंज की आबादी 9,27,770 थी, जिनमें मुस्लिम आबादी 2,70,423 थी, यानी कि लगभग 29.15%। 2011 में यहाँ की कुल आबादी 11,50,567 हो गई, जिनमें मुस्लिम आबादी 3,08,343 थी, यानी कि 26.80%। लेकिन आखिर बांग्लादेश से झारखंड या उसके आसपास के पड़ोसी देशों में पलायन का कारण क्या है? क्या वाकई लोग वहाँ की गरीबी के कारण देश से भाग रहे हैं, या जानबूझ के किसी प्लानिंग या किसी इशारे के तहत ये चीजें हो रही है? अगर ये बढ़ते आंकड़े आपको या हमें इतना सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, तो फिर सरकार को ये चीजें क्यों नहीं खल रही हैं? वैसे तो जल्द ही हाईकोर्ट को दिया गया सरकार का जवाब सामने आ जाएगा, लेकिन कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि ये आंकड़े अचानक से नहीं बदले हैं, कई सालों से बदल रहे हैं और बदलते ही रहेंगे। इसमें कई सारे संगठनों के शामिल होने की भी बात सामने आती रही है, जैसे गजवाए हिंद, जिसका असल मकसद 2047 तक भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बना देना है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि भले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने PFI जैसे संगठन को, जो हमेशा से धर्म विशेष को लेकर लोगों को गुमराह करता रहा है, उन्हें बैन कर दिया है, लेकिन उस बढ़ती आबादी और लगातार अवैध रूप से हो रहे घुसपैठ से हमारे देश और राज्यों की आंतरिक सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सरकारों को ही देना है, क्योंकि समय कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा।